सर हमारे पास बहुत ही सस्ते दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। नहीं चाहिए सर, एक बार देख तो लीजिए। नहीं चाहिए सर, एक बार देखने के बाद भले ही आप ना कर देना, मत लेना। बोला ना नहीं चाहिए सर, बहुत ही कम दाम में घर का सारा सामान है। सर एक बार सुन तो लेते सर। तो ऐसे ट्रेड करते हो तुम अपने सेल्समैन को? हर कोई तुम्हारी तरह खड़ूस नहीं होता, पूरी बात सुनता है। अरे बाबा मैं कोई खड़ूस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, तो तुम्हारे सेल्समैन को ये पता होना चाहिए कि उनको इनसे कैसे डील करना है। क्या बनाया? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुर्जेश है बाबा, रात को डिनर के बाद के लिए। अभी क्यों नहीं खा सकते? अरे टेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल टेस्ट नहीं करनी है, वो ठंडी होकर अच्छी लगेगी, इसीलिए रात को डिनर के बाद। तो आप क्या करें? क्या आप क्या करें, मूवी की टिकट बुक हो चुकी है, मैं फटाक से नहा के आता, फिर हम दोनों जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। ठीक है, तब तक मैं लंच बना लेती। बिल्कुल लंच नहीं बनाना है, आज हम लंच करेंगे बाहर। किस खुशी में? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कभी कभी लंच बाहर कर लेना चाहिए। और ये जो बजट ऊपर नीचे होगा इसका क्या? जनाब एक दिन बाहर लंच करने में ना कोई बजट ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। जो देखो दरवाजे पर कौन है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम देखोगे दरवाजे पर कौन है। अरे यार पूरा दिन से बाहर हूँ मैं, थक गई हूँ यार, थोड़ी सी भी रेस्ट नहीं करूँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। जी सर वो हमारे पास लेडीज के लिए अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट है। नहीं चाहिए सर, मार्केट दाम से 30% ऑफ है सर। सर वहाँ बहुत कॉस्टली मिलेगा सर आपको। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, मतलब घर पे कोई लेडीज वगैरह होगी तो सर उनको दिखा दीजिए ना, या फिर आपके कोई फीमेल फ्रेंड होगी तो आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है सर। अरे सुनो ना, सुनो। हाँ। बाहर तुम्हारी बिरादरी का कोई खड़ा है। मतलब? मतलब कि कोई सेल्समैन खड़ा है, कुछ सामान वामान बेचना है, तुम उसको मिल लो, तब तक मैं नहा लेता हूँ, ठीक है? अरे मना कर देते ना। बाबा मैं मना कर रहा था लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई, जो तुमने मुझे बोला था कि मुझे इतना खड़ूस नहीं होना चाहिए। चाहो भुगतो अब। क्या और कितना टाइम? बस 2 मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो आंख में बाल चला गया। तुम सच में नहाए हो ना? हाँ बाबा। लग तो नहीं रहा है। अरे इसलिए बोलता हूँ साथ में नहाया करो, उससे कहना कि यकीन और एहसास दोनों साथ मिलता है। जवाब तो जैसे जनाब की जुबान पर चढ़े रहते हैं। जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। सर वो आपने कहा था ना 1 मिनट वेट करने के लिए। हाँ तो सर मैं रुका हुआ था, वेट कर रहा हूँ। मतलब तुम तब से वेट कर रहे हो? जी। मैडम नहीं आई? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वो शायद भूल गई होगी, तो 1 मिनट रुको मैं भी उसको बुला के आता हूँ। जी सर। कौन है? क्या कौन है यार, वो बेचारा सेल्समैन पिछले 10 मिनट से बाहर खड़ा है और तुम गए तक नहीं। अरे पर मैं तो उसको मना कर चुकी थी। नहीं सर, अगर वो मैडम ने मना किया होता तो मैं वेट ही क्यों करता। वो तो कह रहा कि तुम गए नहीं। पागल है क्या वो? मैं तो उसे मना कर चुकी थी, ऐसा क्यों बोल रहा है वो? और वो भी तब जब मैं खुद जाकर के उसे मना करके आई हूँ। राहुल मुझे ना बहुत बहुत डर लग रहा है, और आए दिन ऐसे लोगों के खंड दिखते रहते हैं न्यूज में। राहुल मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है? सर समझे नहीं। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार डोरबेल बजा रहा है? सर वो आपने कहा था ना। जब तुझे एक बार मना कर दिया तो क्यों परेशान कर रहा है तू? सर किसने मना किया? ऐसा है नाटक करने की ना जरूरत नहीं है, चुपचाप चला जाए ऐसे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छे से जानता हूँ तेरे जैसे लोगों को मैं। मन कर रहा था सारे का गला पकड़ के घूसा मार दूं, पता नहीं इस बिल्डिंग में कैसे लोग रहते हैं हरामजादे। गाली किसको दे रहा है? भाई साहब आपको नहीं दे रहा था। तू जिस बिल्डिंग वालों को गालियां दे रहा है ना, इसी बिल्डिंग में मैं भी रहता हूँ। अरे भाई साहब मैं तो ये फीमेल सामान बेचने आया था, वो साले ने 1 मिनट का बोल के पूरे आधे घंटे वेट कराया। कौन सा फ्लोर? अरे ये इधर वाला सेकंड फ्लोर। वो तो पागल है यार। पागल है? अभी 3 महीने पहले उनकी शादी हुई, लव मैरिज। छत पे दोनों बैठे थे, बीवी ने कहा कि एक फोटो क्लिक कर दो ना। हाँ भाई जो हुक्म जनाब का। अच्छा मैं यहाँ बैठ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो जगह कोई बैठने की? मैं एक फोटो प्लीज। मैं नहीं करूंगा फोटो क्लिक, भाई खुदा ना खासा कुछ हो आ जाए मैं क्या करूंगा भैया, पूरी जिंदगी का रोना जाएगा मेरे लिए। कुछ नहीं होगा मुझे,
अभी बहुत साल तक मुझे अपने पति देव से अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवानी है। यार तुम्हारे ना यही इज्जत समझ में नहीं आती है। ठीक है स्माइल करो, स्माइल प्लीज। और ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उस लड़के को लगता है कि वो लड़की आज भी उसी के साथ है।